तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, जिसमें आज बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो गया है और ये स्टॉक 4.92% की रैली के साथ अपर सर्किट में लॉक हो गया है और इसकी करंट मार्केट प्राइस 55.40 पर चली गई है। तो आइए इसके भी टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स का डाटा चेक कर लेते हैं और इसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो भी देख लेते हैं। नए आयो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले जून 23 के नंबर्स ही देख लो। रेवेन्यू में 14% की रैली हो गई है, नेट इनकम में 5% की रैली है, लेकिन इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं, 8% के हिसाब से गिर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन में इंक्रीजिंग ट्रेंड होने के कारण कंपनी की बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो गई है। तो दोस्तों अभी इस स्टॉक में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसके कारण इस स्टॉक में आज अपर सर्कल लगा है। दैट इज़ द पटेल इंजीनियरिंग शेयर राइजेज 4% एज द जॉइंट वेंचर डिक्लेयर्स लोएस्ट बिडर फॉर द इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो इस कंपनी के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है तो इसीलिए इस स्टॉक में आज 4% से ज़्यादा रैली देखने को मिली है। आफ्टर द कंपनी जॉइंट वेंचर डिक्लेयर्ड लोएस्ट बिडर फॉर द इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ ₹249 करोड़ फ्रॉम द महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी के जो जॉइंट वेंचर है उसको एक नया प्रोजेक्ट मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर है ये लोएस्ट बिडर जो है वो निकल कर आया है। तो जो टोटल इरीगेशन प्रोजेक्ट की प्राइस है वो 250 करोड़ के अराउंड निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र से इस कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिल गया है। द पटेल इंजीनियरिंग हैज 40% शेयर, दैट इज यदि इसकी हम वैल्यू देखें तो 100 करोड़ के अराउंड इसकी जो वैल्यू है वो पटेल इंजीनियरिंग को मिलेगी। द वर्क इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर द नीरा दियोगर राइट बैंक मेन कनाल फ्रॉम किलोमीटर 66 टू किलोमीटर 76। द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 मंथ्स एंड द सेड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र एंड दिस कंपनी इज़ ए जॉइंट वेंचर कंपनी एंड 40% का जो शेयर है वो कंपनी को मिल जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। ये जो कंपनी है डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती है, पे काम करती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, कोई डैम बनाना है, कोई टनल बनानी है, जहाँ कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, तो डिफरेंट टाइप के कंपनी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती है एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि जैसे हमारे देश में एक इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिल रहा है तो इसके कारण इसका जो पूरा फ़ायदा है वो डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज़ हैं उनको मिलता दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस कंपनी पे जो है वो फोकस कर सकते हो। यदि इसकी लास्ट परफॉर्मेंस देखें, पास्ट परफॉर्मेंस देखें, लेटेस्ट क्वार्टर नंबर तो हमने बता दिए, 5 डेज में इस स्टॉक में पहले आप देख सकते हो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन एक रिवर्सल भी यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल 5 डेज में एक फ्लैट ट्रेंड है। यदि हम 1 मंथ का डाटा देखें, 4.63% की रैली देखने को मिली हुई है। बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल आया है, जबकि 6 मंथ में ये स्टॉक 271% के मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दे चुका है। तो दोस्तों जो भी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, जैसे कि और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिसको हमने आज कवर किया है, आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाके सुन सकते हो। इन्होंने लास्ट 6 मंथ में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिला है, नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो मेक इन इंडिया पे जो है वो फोकस बढ़ रहा है, तो जिसका पूरा फ़ायदा हमारी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको मिलता दिखाई दे रहा है। तो पटेल इंजीनियरिंग भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। करंटली वैल्यूएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पीई मल्टीपल्स 26 के अराउंड चल रहे हैं, मार्केट कैप इसका 4.08000 करोड़ के अराउंड निकल कर आ रहा है, तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रही हैं। तो आप इस स्टॉक पे जो है वो फोकस कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चलता रहता है, चलो उसका आप वरी मत करो। आज मार्केट ऊपर है, कल को नीचे आ जाएगी, तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टाइम का पैटर्न लेके निवेश करो। दोस्तों पीई रेशो देखो इसकी जो है वो 22 के अराउंड है, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 24 के अराउंड है, मतलब सेक्टर के मुकाबले ये स्टॉक सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और ऊपर से प्राइस टू बुक रेशो भी 1.41 का ही है, और डेब टू किटी रेशो देख लो वो भी 0.61 का है, और आरओई परसेंटेज 10% से ऊपर चल रही है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन भी सही है। तो निवेश का जो क्राइटेरिया है वो ये स्टॉक पास कर रहा है, तो आप इस स्टॉक में जो है वो सिप करके धीरे धीरे करके एकमुलेशन करते रहें, और यदि आप इस स्टॉक को नेक्स्ट 1 से लेकर 2 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हो तो ये स्टॉक इवन 2x तक भी आपको रिटर्न्स दे सकता है, मतलब 100+ तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 से लेकर 2 ईयर्स का
टाइम लेना होगा और सिप के थ्रू ही इस स्टॉक में अकमुलेशन करनी होगी। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।